मुंब्रा में महिला दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एनसीपी नेता रुता जितेंद्र आहवाड ने महिलाओं में जमकर जोश भरा। अपने संबोधन में रुता आहवाड ने कहा कि 21वीं सदी में भी महिलाएं अपने पारिवारिक और सामाजिक बेड़ियों में इतनी जकड़ी हैं कि समुचित उत्थान कर पाने से वंचित हैं। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर जोर देते हुए अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। मुंब्रा के अल्फिया हॉल में विश्व महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आज एनसीपी नेत्री रुता आहवाड ने अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली 10 महिलाओं को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। बतौर मुख्य अतिथि रुता आहवाड ने महिलाओं में जमकर जोश भरा और अपने सम्मान एवं अधिकारों के लिए खुद संघर्ष करने का आह्वान किया। रुता आहवाड ने कहा कि भले हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी औरतें आज भी तमाम सामाजिक पारिवारिक बेड़ियों में जकड़ी हैं, जिनकी वजह से उनका समुचित उत्थान नहीं हो रहा। उन्होंने ऐसी बेड़ियों को तोड़ने और अपने हक के लिए खुद लड़ने का आह्वान किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। शहरों में मैं बोल सकती हूँ कि थोड़े बहुत 50-60% ही महिलाओं को दर्जा दिया गया है, उससे बेहतर ये होगा कहना कि उन्होंने वो लिया है। और लेकिन अभी भी आप अगर रूरल हिस्सों में जाओगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कोई भी दूसरा स्टेट हो इंडिया का, तो जितना हाँ भले वो खेती करती हो मर्दों के साथ में, भले बाकी के सारी मजूरी करती हो, लेकिन जब बहुत से दूसरे सोशल चीज़ों में जब उनका मतलब उनकी जब बारी आती है तो उनको इतना एक्टिव नहीं होने दिया जाता, ये तो हमने देखा है। और हमारे भी बहुत से ऐसी फ्रेंड्स है जो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, लेकिन अभी भी वो भी उनके घरों के फैमिलीज़ के जो भी कुछ सो कॉल्ड वैल्यूज़ उसे कहते हैं उसमें अभी भी बंधी हुई है। और मेरे ख्याल से अभी ये पिक्चर चेंज होना चाहिए, क्योंकि घर पे अगर कोई भी विपदा आती है, कोई भी अगर संकट आता है, तो सबसे पहले घर पे अगर कोई खड़ी रहती है तो वो घर की औरत है। चाहे वो अभी कोविड में भी हमने देखा कि जब ही सारे मर्द बीमार थे, जो भी था, तो औरत ने, बेचारी ने अभी भी कुछ ना कुछ काम करके यहाँ वहाँ अभी नौकरियाँ गई है, लेकिन औरत हाथ पैर हिलाकर अपने फैमिली को चला रही है। तो आई फील के सबको बराबर का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और ये कोई कोई किसी को किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। इट्स एवरीवन्स राइट कि मेरा ड्यू जो रिस्पेक्ट है वो मुझे दो। अगर आप अपने बेटे के पढ़ाई पे खर्चा कर रहे हो तो आप अपने बेटी के पढ़ाई पे कम से कम 50% खर्चा करो, उसको अपने पैरों पर खड़े रहने लायक बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आप नौकरी करवाओ उससे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसकी ज़िंदगी में कल कुछ ऊँच नीच हुई तो वो आप पर या दुनिया पर डिपेंड ना रहे। वो सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए कि वो अपने आप को सवार सके, बस इतना कम से कम उसको यू नो सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। इस कार्यक्रम का आयोजन अखबार एलान टाइम्स और आई कवर न्यूज चैनल के बैनर तले रफीक शेख और अब्दुल हामिद साहिल द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में नगर सेविका सुलोचना पाटिल, नगर सेविका आश्रीन राउत, नादिरा यासीन सुरमे,
नगर सेविका हाजिरा कमरुल हुदा और हिंदुस्तान उर्दू के एडिटर सरफराज आरजू, टीवी वन इंडिया न्यूज के संचालक सुधीर शर्मा, प्रोफेसर कमर सिद्दीकी, उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान, MIM नेता अब्दुल माजिद खान समेत तमाम अतिथि मौजूद थे। यहाँ आए अतिथियों ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग काबिले मुबारकबाद हैं। इनकी ये कोशिश चाहे छोटी सी रही, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़े अंधियारे के खिलाफ जो है हम लोगों को एक तवील जंग लड़नी है, और इस जंग में जो है इस अंधेरे को दूर करने में हम लोगों को जहाँ भी रोशनी का इंतज़ाम करना पड़े, जहाँ भी दिए जलाने पड़े, वो दिए जलाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। और वही काम जो है ये ऐलान टाइम्स ने और आज के इस प्रोग्राम ने किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि औरतों के हकूक़ के ताल्लुक से बेदारी जो है बहुत कम है, और लोग अगर इस बात को समझने लगें कि इस दुनिया में जो है उनका वजूद जो है वो सिर्फ उन्हीं की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि औरतें भी उनके जो है शाना बचाना रहती हैं, तभी ये दुनिया का कारोबार चलता है, और उसमें जो है उनको किसी किस्म की के संकोच और किसी किस्म की कोताही से काम नहीं लेना चाहिए। औरतों के हकूक उनको बराबर अदा करने चाहिए, और आज के प्रोग्राम और आज का दिन जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने साल के 365 दिनों में से एक दिन जो है औरतों के लिए मखसूस कर दिया है, ये दिन इस बात की अलामत है कि हम जो है औरतों के हकूक के ताल्लुक से बेदार हैं, और इस बेदारी को जो है आम करना हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।